Hi beautiful souls, this is Manu and welcome to my YouTube channel Keep Growing with Manu. आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो है जेलसी। तो उससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि जेलसी हम अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपसे अपनी एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले 18-19 मंथ से आई एम फॉलोइंग दिस यूट्यूबर और आई लव हर, आई अडोर हर, आई लव हर कॉन्टेंट और उसके कॉन्टेंट से मुझे बहुत हेल्प हुआ है एंड आई हैव लर्न्ड अ लॉट। लेकिन जब भी उसके सब्सक्राइबर ऊपर जाते हैं, तो जब मैंने उसको स्टार्ट किया था वॉच करना, उस समय सब्सक्राइबर थे 30,000 और अभी 75,000 है। तो वेन एवर आई लुक एट अ सब्सक्राइबर मीटर आई फील दैट डिंग इन माई हार्ट एंड आई वॉज सो सरप्राइज। यूजली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं जल्दी जेलसी नहीं फील करती हूँ कि जैसे ऑन नॉर्मल थिंग्स कि मेरी फ्रेंड पे कौन सा हैंड बैग है या कौन सी एक्सपेंसिव ड्रेस है या मेरे फ्रेंड्स कौन सी कार ड्राइव कर रहे हैं या उनके मेरे बॉस के बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है और कोई कितने बड़े घर में रह रहा है। आई डोंट फील जेलसी अबाउट दोज थिंग्स। आई एडमायर दोज थिंग्स, आई लव दोज थिंग्स, बट आई डोंट फील जेलसी। लेकिन सो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज जब आई वॉज हिट बाई एवरी टाइम मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ कि जब भी मैं देखती हूँ तो, एंड आई डोंट नो दिस पर्सन, कभी मैं उससे पर्सनली मिली नहीं हूँ और कभी कम्युनिकेट नहीं किया है और फिर भी जेलसी फील कर रही हूँ। तो आई लुक्ड इन टू इट कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली वेन यू फील जेलस अबाउट समथिंग, वी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली डिजायर दैट थिंग। तो आवर जेलसी जो है ना, वो हमें एक कुछ बता रही है कि हम क्या डिज़ायर करते हैं। तो कभी कभी इतना सिंपल नहीं होता है, सो वी कैन यूज़ आवर जेलसी एज ब्लेसिंग। तो एक चीज़ है ना, आप जेलसी को दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक तो एज अ ब्लेसिंग, वो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे ब्लेसिंग्स की तरह यूज़ कर सकते हो, दूसरा है कि आप उस बंदे या उस चीज़ के बारे में नेगेटिव बोल कर, रूमर्स फैला कर, गॉसिप कर कर अपने को पैसिफाई करें, और दूसरा है कि उससे, और अब आप उसको बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ करेंगे कि आप देखें कि आप दो मिनट निकालें और सिट करें कि वेन एवर यू फील जेलस, दो मिनट निकाल के बैठ के सोचें कि क्या आप वो चीज़ें चाहते हो। तो अगर आपको किसी की गाड़ी या कार के बारे में आप जेलसी फील कर रहे हो कि किसी ने अच्छी कार ले लिया, किसी ने अच्छा बड़ा घर ले लिया है या किसी के पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, अगर आप वैसा जेलस फील कर रहे हो तो क्या आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिज़ायर करते हो? तो आपको एक डायरेक्शन मिला कि ओके आप डिज़ायर करते हो उस चीज़ को। तो फर्स्ट तो आपको जेलसी ने हेल्प किया बताने में कि आप क्या डिज़ायर करते हो, और सेकेंड अब आप उसके बारे में क्या कर सकते हो, राइट? तो अब जैसे इन मेरे केस में मुझे पता चल गया, आई डिज़ायर हर कम्युनिकेशन स्किल्स, आई डिज़ायर हर, आई वॉन्ट टू बी लाइक हर एंड आई वॉन्ट टू, आई डिज़ायर हर नॉलेज, आई डिज़ायर आई वॉन्ट टू टॉक लाइक हर। तो अब मुझे ये तो पता चल गया, और मुझे सेकेंड स्टेप क्या करना है? सेकेंड है कि मुझे अपने को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए क्या एक्शंस लेना है। सो एक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। तो आपको मुझे इन माई केस कि मुझे उसकी तरह बात करने के लिए, उसकी तरह नॉलेज लेने के लिए, आई हैव टू रीड मोर, आई हैव टू सराउंड माई सेल्फ विद दोज काइंड ऑफ पीपल एंड आई हैव टू कम्युनिकेट मोर, राइट? तो ऐसे ही अगर आपको कोई चीज़ से आप जेलस फील करो तो आप फाइंड आउट करो और उसके बाद उसके लिए गेम प्लान बनाओ कि आप वहाँ पर वो एक्वायर करने के लिए क्या करोगे, राइट? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स यू एंड आई लव यू लोड्स एंड आई विल सी यू शॉर्टली इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।